नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अकाउंट मेनू के बारे में विस्तृत जानकारी कि अकाउंट के ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर को खोलना कैसे है, कंपनी कैसे बनानी है, उसमें डेटाबेस कैसे बनाना है, तो सारा कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में दिख गया होगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अकाउंट का जो ऑप्शन है वो कैसे काम करता है, इसको एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह की चीज़ें कहाँ पे फिल करनी होती हैं, कैसे हम किसी अकाउंट को सर्च कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो पूरा एक कंप्लीट ऑप्शन सारे समझते हैं अकाउंट के मेनू से। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करने के लिए अकाउंट पे क्लिक करते हैं या कि कंट्रोल ए पे क्लिक करते हैं। अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है बिजनेस सॉफ्टवेयर में। अगर हम अकाउंट के नाम गलत बनाते हैं तो हमारी एंट्रियां भी गलत होती हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे अकाउंट पहले से बना के रखे हुए हैं, आप इनको आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इनेबल फास्ट सर्च है, इसका मतलब होता है कि एक ही बारी में कुछ आपको लिमिटेड रिकॉर्ड दिखाना, जैसे कि यहाँ पे 1-19 लिखा, तो मतलब एक बार में आपको ये 19 रिकॉर्ड दिखाएगा सिर्फ। तो हमने यहाँ पे अगर टिकला हटा देते हैं तो क्या होता है, देखिए पूरी लिस्ट एक साथ आ जाती है, मतलब हम इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे अकाउंट बने हुए रहते हैं पहले से। तो ये बहुत सारे हमारे एक्सपेंस एंट्रियां सब बनी हुई हैं। फिलहाल मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि मुझे सारे एक्सपेंस के हेड जो जो बने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो देखना है, तो एक्सपेंस में मैं जाऊंगा, यहाँ पे ग्रुप के बाजू में एक्सपेंस लिखूंगा, EXP, और सर्च कर दूंगा तो मुझे पूरे एक्सपेंस की लिस्ट आ जाएगी। तो इतने सारे हमारे एक्सपेंस के बने हुए हैं, परचेज के अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सभी इस तरह से बने हुए होते हैं। कोई भी अकाउंट सर्च करने के लिए बस ये बॉक्सेस दिए हैं इनके बाजू में। जैसे मुझे मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक अकाउंट को सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं PRI लिखूंगा और सर्च करूंगा तो ये देखिए अपने आप आ जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर्च करते ही। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अगर मुझे इसी अकाउंट को कुछ मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूं। तो इसमें पहले हम जानते हैं कि किस में क्या है। तो एक पहले हम अकाउंट, नया अकाउंट बना के देखते हैं कैसे अकाउंट बनेगा। तो न्यू में जाते हैं, न्यू में मुझे एक अकाउंट बनाना है अपने कस्टमर के नाम का। तो मान लीजिए मेरे कस्टमर का नाम है राजेश ट्रेडर्स। आप कोशिश करिए सारे जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो कैपिटल में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रेटर्स अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इसका ये हुआ कि पहले से इसमें अकाउंट बना हुआ है इसलिए दे रहा है। तो अगर दो नाम है तो आप उसके साथ सिटी मेंशन कर सकते हैं, छिंदवाड़ा, एंटर कर लिया, एंटर। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप क्या होता है। अकाउंट में हमने हर अकाउंट को किसी न किसी ग्रुप में रखना होता है अकाउंटिंग के लिए। तो जो कस्टमर के नाम होते हैं उनको सन्ड्री डेटर्स में रखा जाता है। तो यहाँ पे आप सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर सकते हो, या कि फिर और आसान करने के लिए हमने यहाँ पे खुद कुछ अकाउंट भी बनाए हुए हैं, ग्रुप भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर लिया हुआ, तो आप कस्टमर भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कस्टमर सेलेक्ट करें या सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करें, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि आपने सॉफ्टवेयर चालू करते समय किसी पार्टी का जो पहले पुराना पैसा है, कितना पैसा बाकी है यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो आपको ये आगे आने वाले बैलेंस में जो बिलिंग करेंगे तो उसमें वो पैसा जोड़ जोड़ के दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आज की डेट पे 2000 रुपये मेरा इससे लेना बाकी है, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये डाल देता हूँ और हम एड्रेस वगैरह डाल देंगे, फर्स्ट एड्रेस नियर सिविल लाइन जो भी है उसका एड्रेस, दूसरा उसका जो भी सिविल लाइन कोतवाली थाना, और यहाँ पे सिटी डाल दी हमने जबलपुर। पिन कोड डाल सकते हैं 482001, स्टेट डाल दीजिए मध्य प्रदेश। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते ही स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए फोन नंबर यहाँ डाल सकते हैं 0761 डैश करके अपने नंबर डाल दीजिए, जैसे मेरा ऑफिस का नंबर है 40482।
इसी तरह मोबाइल नंबर भी, अगर आपके पास दो तीन मोबाइल नंबर हैं तो एक साथ सभी मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो कॉमा लगा के लिखना है, मगर प्लस 91 या 0 नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो अगर सॉफ्टवेयर के साथ SMS इंटीग्रेट करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बल्क SMS की में यह सेटिंग होती है कि 0 प्लस 91 नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, इंटर, ईमेल आईडी। इस यहाँ पे जो ईमेल आईडी हम डालते हैं उससे ऑटोमेटिक जब हम बिल बनाएंगे तो वह बिल कस्टमर के मेल में ऑटोमेटिक जा सकता है। कॉन्टेक्ट पर्सन लिख देंगे, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी मेंशन करना है कर दीजिए, नहीं करना नहीं करिए। बैंक नेम, बैंक अकाउंट, चेक प्रिंटिंग नेम, देन यहां पे GST नंबर हम डाल सकते हैं। ये 15 डिजिट का होता है, नीचे देखिए काउंटर भी लगा हुआ है जो आपका दिखाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये इसका, कि आपका अगर कस्टमर जो है या सप्लायर है, आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो, अगर वो आपके स्टेट के अंदर है तो हम विद इन स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम आउट ऑफ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर उसके पास GST नंबर है यानी कि वो बिजनेसमैन है तो B2B सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो हम स्टेट कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह इसमें भी आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके पास GST नंबर नहीं है फिर भी वो बिजनेसमैन है तब भी हम उस सिचुएशन में विद इन स्टेट कंज्यूमर ही सेलेक्ट करेंगे। हमें B2B उसी को सिर्फ सेलेक्ट करना है जिसके पास GST नंबर होगा। यहाँ पे बाकी यू कार्ड का क्या मतलब होता है, एक तरह का ये कोड है कि अगर हम चाहें तो राजेश ट्रेडर्स दो हैं या छिंदवाड़ा में ही दो हैं तो हम क्या करते हैं कि एक को हम कुछ कोड दे देते हैं 23, 24 और दूसरे को 25 दे देते हैं। इस तरह से हम उनको कोड भी दे सकते हैं। ड्रग लाइसेंस नंबर अगर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है मेंटेन बिल बाय बिल, इसमें टिक लगाते ही विंडो आ जाती है। तो क्या है, अब ये 2000 रुपये तो आपने बचा था, ये तो देख लिया आपने कि हमने आज से सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं तो 2000 रुपये बचे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस के निशान में क्लिक करेंगे और प्लस के निशान में क्लिक करते ही तो यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन में है, यहाँ पे बिल नंबर हम डाल सकते हैं कि जैसे पुराना बिल नंबर है हमारा 32 और उसकी डेट थी 17 तारीख, यहाँ पे भी हमने 70 डाल दिया और ये सेल्स का बिल था और इसका पैसा था 2000 रुपये। तो इस तरह से हम पुराने बिल की एंट्रियाँ कर सकते हैं जो हमें पार्टीज को से लेना है। तो ये पुराने बिल जब आप बिल बाई बिल पैसे पेमेंट मेंटेन करते हैं तो ये आपको दिखता है आसानी से। और हम यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड चाहते हैं कि क्रेडिट लिमिट कितने दिन की देनी है तो हम यहाँ डाल देंगे, बिल की लिमिट यहाँ डाल देनी है कि कितने दिन के मतलब 3 बिल या 5 बिल तक हम उसको उधारी देना तो हम यहाँ डाल देते हैं। क्रेडिट डेज फिर फॉर सेल के लिए हम सेल के एंट्री डाल देते हैं, परचेस के डेज डाल देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट इसमें हमें अटैच करना है तो आप इसमें क्लिक करके डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो, उसके पिक्स वगैरह भी अटैच कर सकते हो अगर आपने कुछ उसके कोई डॉक्यूमेंट लिया है। तो इस तरह से हमने उसका आधार कार्ड या कोई एग्रीमेंट किया तो हमने अटैच करके यहाँ पे ऐड कर लेना है और इसको सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपका ये कुछ गलत हो जाता है अकाउंट, तो अगर सर्च करना चाहते हो तो बस अकाउंट में जाइए वापस से, यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करिए, सर्च में क्लिक करिए तो आपको पूरे अकाउंट नेम आने लगते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट खुलती है, उनमें से भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर से सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटी की जगह मोबाइल नंबर सेलेक्ट करूँगा और बाजू वाले बॉक्स में 88 मोबाइल नंबर डाल के और सर्च में मार दूंगा तो आपको सर्च आ जाएगा, या कि पूरा नंबर भी डाल सकते हैं आप। इसी तरह मुझे एक साथ ही सभी को कस्टमर को SMS करना है तो क्या कर सकते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे ग्रुप में हमने कस्टमर सेलेक्ट किया तो जितने भी हमारे कस्टमर होंगे वो एक बार में आ जाएंगे और सबको हम सेंड SMS एक ही बार में सबको हम SMS कर सकते हैं। यहाँ पे हमने SMS लिखना है जो भी कि डियर सर करंट ऑफर इज दिस, फिर
50% ऑफ इन सेल्स। विजिट अवर शॉप, तो इस तरह से जो आप चाहते हैं वो आप अपना मैसेज लिख सकते हैं और यहाँ पे अपने नंबर मेंशन कर सकते हैं, जो जैसा आप बनाना चाहे तो अपने हिसाब से आप लिख दीजिए और सेंड एसएमएस कर दीजिए, तो आसानी से सभी को ये चला जाएगा एसएमएस। इसके लिए आपको एसएमएस जरूर परचेस करना पड़ेगा। इसी तरह बर्थडे आप चेक करना चाहो तो बर्थडे चेक कर सकते हो। एक्सेल में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके एक्सेल में पहले से बने हैं तो उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं पहले, चलिए एक्सेल में एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करने जाते हैं आप, और यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक किया आपने तो ये देखिए एक विंडो आती है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट अकाउंट ओनली, करंट पेज ओनली, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसे चूज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सपोर्ट डेटा में टिक करना है, आपका डेटा थोड़ी देर में ही एक्सपोर्ट हो जाएगा पूरा, एक मिनट दो मिनट लेता है वो टाइम। चलिए दोस्तों देखिए ये आपका डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है और इस तरह आपके पूरे जो रिकॉर्ड हैं वो एक्सेल में आ चुके हैं। तो आप इनको आसानी से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप फाइल को बस सेलेक्ट करके और इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इसमें और अच्छा ऑप्शन है लेबल के लिए, तो आप लेबल में अगर क्लिक करते हैं तो आप इसका मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि एनवेलप के ऊपर हम हर कस्टमर का नाम एड्रेस वगैरह लिख सकें, तो यहाँ से लेबल आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे अकाउंट ऐड करना है, कैसे बनाना है और कैसे मॉडिफाई करना है, ये आपको पसंद आया होगा। और इसमें और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करिए। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें लिखिए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, हम उस पर हो सकेगा तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों थैंक यू।